हेलो क्लास 12। चलिए, जैसा आपको याद ही होगा, हमने जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ स्टार्ट कर लिया था और यहाँ तक पढ़ लिया था कि भारत का जो ये है, ज़मीन का टुकड़ा है, वो धीरे धीरे करके आपस में टकरा कर एशिया के ज़मीन के टुकड़े से भारत जो है जब टकराया तो क्या हुआ, हिमालय बना। हिमालय को इसीलिए न्यू फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरह से साउथ अमेरिका धीरे धीरे करके दूर होता रहा और नॉर्थ अमेरिका के साथ जाकर मिल गया। अब आगे देखिए, फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ 2 weeks इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ द टोटल आइस वॉल्यूम आर स्टोर्ड इज अ चिलिंग प्रॉस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन। अब देखिए, जो राइटर हैं वो एक साउथ इंडियन है और साउथ इंडियन को पता है कि ठंड में ज़्यादा रहने की आदत नहीं होती और वो सन की बहुत पूजा करते हैं। तो राइटर बताते हैं कि मेरी तरह सन की पूजा करने वाला जो व्यक्ति है वो 2 सप्ताह तक जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ 90% तक अर्थ का टोटल आइस जो है जमा है और जहाँ पर मेरे जैसे लोगों को एडजस्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि देखो आप जब कहीं नई जगह पे जाते हो तो क्या होता है कि आपको आपका शरीर भी उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। तो राइटर बताते हैं कि उनकी सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शन पर भी इसका असर पड़ा, क्योंकि वहाँ तो बहुत ठंड पड़ती थी। इसलिए इट इज़ लाइक वॉकिंग इन टू द जायंट पिंग पोंग बॉल डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स नो ट्री बिल बोर्ड बिल्डिंग्स। और ये एक ऐसी जगह थी जो एक बॉल की तरह थी, पिंग पोंग बॉल की तरह, जहाँ पर इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। न वहाँ पर पेड़ पौधे थे, न ही बिल बोर्ड। बिल बोर्ड आप समझते हैं ना, वो बोर्ड जिस पर लिखा रहता है इधर यहाँ से कोई शहर जो है कितने किलोमीटर दूर है ना, लिखा रहता है, उसको बिल बोर्ड कहते हैं। तो बिल बोर्ड और न ही यहाँ पर कोई बिल्डिंग है। You lose all earthly sense of perspective and time here। और यहाँ पर आकर आप बिल्कुल जैसे लगता है कि समय और एक कि हम धरती पर रह रहे हैं, ऐसा आप बिल्कुल भूल जाओगे इस जगह पर पहुँच कर। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्राम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी मिगेट्स एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल An iceberg as big as country's largest recorded was the size of Belgium। और यहाँ पर आपको बहुत छोटे जीव जंतु से लेकर बड़े बड़े ब्लू व्हेल तक देखने को मिल जाएंगे। और आइसबर्ग आप जानते ही हो, बर्फ़ का वो टुकड़ा जो 2/3 पानी में डूबा रहता है और सिर्फ 1/3 दिखाई पड़ता है। तो इतने बड़े बड़े यहाँ पर आइसबर्ग हैं जो कि एक कंट्री के बराबर हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि एक आइसबर्ग तो इतना बड़ा था कि पूरा बेल्जियम देश उसमें समा जाए, इतना बड़ा था। डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन सुरियल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट। और गर्मी के मौसम में तो यहाँ पर हमेशा उजाला ही रहता है 2400 घंटे। एंड ओबिक्यूटस साइलेंस इंटरप्टेड ओनली बाई ओकेजनल एवलांश और कार्विंग आइस शीट कंसिक्रेट्स द प्लेस। और यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही एकदम बिल्कुल सन्नाटा रहता है और बस कभी कभी एवलांश की आवाज़ आती है। एवलांश आप समझते हैं ना, जब ऊपर से बर्फ़ टूटती है और नीचे को आकर गिरती है वो, और कार्विंग आइस शीट, और कभी कभी बड़े बड़े आइस के चंक जो होते हैं वो टूटकर समुद्र में गिरते हैं, तो बस उसी की आवाज़ आती है। इट इज़ एन इमर्सन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड फॉर ह्यूमन द प्रोग्रेस इज इन गुड। और तब आप अपने आप को अर्थ के जियोग्राफिकल जब इतिहास को जानोगे तो अपने आप को अपने आप के बारे में सोच पाओगे कि आप कहाँ हो इस जगह। और जहाँ तक इंसान की बात है तो इस धरती पर उसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं है। अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन इम्पैक्ट।
धरती पर इंसान के आने के बाद उसका उनका क्या असर धरती के ऊपर पड़ा है वो देखिए। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर पाल्ट्री 12,000 ईयर्स। इंसान की जो सभ्यता है उसको इस धरती पर आए हुए करीब 12,000 साल ही हुए हैं। बियरली अ फ्यू सेकेंड ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। और अगर आप जियोलॉजिकल क्लॉक में टाइम देखो इंसान के धरती पर आने की, तो वो कुछ सेकेंड की ही है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट रुकुस ईचिंग आवर डोमिनेंस ओवर नेचर विथ आवर विलेजेस टाउन सिटी एंड मेगा सिटीज। और कुछ ही समय आए हुए हुआ है हमें यहाँ पर, लेकिन हमने वो बहुत तरह की परेशानियाँ इस धरती के लिए खड़ी कर दी है। पहले तो हम नेचर के ऊपर अपनी डोमिनेंस दिखाने लगे, फिर क्या हुआ, गांव बसा लिए, शहर बसा लिए, बड़े शहर बसा लिए। द रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट बैटलिंग विथ अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज नाउ क्रिएटेड a blanket of carbon dioxide around the world which is slowly but surely increasing the average global temperature। फिर क्या हुआ, इतने गांव शहर बसने का कारण क्या था, क्योंकि इंसान की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और थोड़ी सी जो धरती पर ज़मीन है उसके लिए और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके लिए क्या हुआ, हमने दूसरे जीव जंतुओं से लड़ना शुरू किया। अब जंगल काट काट कर हमने शहर बसा लिए, इससे क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो कि अब ख़त्म हो गए हैं या ख़त्म होने के कगार पर हैं। फिर हमने यहाँ पर आकर क्या किया, फॉसिल फ्यूल जलाना शुरू कर दिया, पेट्रोल डीजल, है ना। इससे क्या हुआ कि धरती के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की एक ब्लैंकेट चादर बन गई और इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट ऑफ आवर टाइम। क्लाइमेट चेंज जो है आजकल सबसे बड़ा एकदम हॉट टॉपिक है डिस्कशन का, जिसमें हर जगह आप देखोगे जहाँ भी इन्वायरमेंट के लिए के को लेकर डिबेट होती है वहाँ इसकी क्लाइमेट चेंज की चर्चा होती है। विद द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली सॉरी विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली। क्या एंटार्क्टिक की जो आइस शीट है वेस्ट साइड में वो क्या पूरी तरह पिघल जाएगी। Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? क्या Gulf Stream जो बहती है समुद्र में, ocean current है एक, तो उसको उसमें क्या बाधा आएगी। Will it be the end of as we know it? क्या इसका अंत हो जाएगा दुनिया का। Maybe not, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। Either way, दोनों ही तरह से अगर हम देखें तो पाएंगे एंटार्क्टिका इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन अ ह्यूमन पॉपुलेशन। एंटार्क्टिका एकमात्र जगह इस पूरी दुनिया में है जहाँ पर इंसान की आबादी कभी भी नहीं रह पाई। देयरफॉर रिमेन रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रेस्पेक्ट। यही कारण है कि ये बिल्कुल जगह जो है अछूता रहा है इंसानों से। बस थोड़े बहुत समय के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं, बाकी इतनी ठंडी ये जगह है कि वहाँ पर इंसान का रहना मुश्किल है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। और यही कारण है कि इसके लगभग आधे मिलियन पुराने जो कार्बन के रिकॉर्ड हैं वो इसके लेयर में, बर्फ़ की लेयर में दबे हुए हैं। यानी आपको स्टडी करना है तो इन कार्बन लेयर की मदद से आप अर्थ के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंटार्कटिक इज़ द प्लेस टू गो। अगर आप धरती के बारे में, उसकी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं तो एंटार्कटिक स्टडी करने के लिए बेस्ट प्लेस है। स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विथ ऑन द सोकास्की
aims to be exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them with inspiring educational opportunity which will help them to foster a new understanding and respect for our planet. और ये जो सोकास की जो ये था शिप है जिससे ये लोग वहाँ गए हैं, ये एक स्टडी का प्रोग्राम है, उसके अकॉर्ड उसके इसमें गए हैं, है ना। उस स्टडी का जो प्रोग्राम है उसका नाम है स्टडी स्टूडेंट्स ऑन आइस। और यहाँ पर क्या हुआ, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को ले जाया गया है ताकि उनके बारे में जो अंटार्कटिका है उसके बारे में ये बच्चे भी जान सकें और नई अंडरस्टैंडिंग उनके लिए और कैसे हमें अपने प्लैनेट का सम्मान करना चाहिए इसके बारे में वो सीख सकें। इट इज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 ईयर्स, करीब 6 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हर साल बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए ले जाया जाता है स्टडी करने के लिए। हेडेड बाय कैनेडियन जर्व ग्रीन, और इसके हेड जो हैं जो ये काम कर रहे हैं उनके हेड का नाम है जियोफ ग्रीन, हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर हु कुड ओनली गिव बैक इन द लिमिटेड वे। और ये पहले क्या करते थे कि अंटार्कटिका में लोगों को घुमाने के लिए ले जाया करते थे, जैसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो उनको जो रिटायर्ड हैं अमीर हैं पैसा है घूमने चले गए लोग जिनको थोड़ी क्यूरियोसिटी है अंटार्कटिका के बारे में उनको लेकर ये घुमाने के लिए जाया करते थे, तो इनको फीडबैक कोई बहुत अच्छा नहीं मिलता था। With students on ice, he offers the future generation of policy maker a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn, most importantly act. स्टूडेंट को ले जाने से क्या होता है कि कम उम्र के बच्चे हैं और ये ही भविष्य के पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, क्योंकि इनके लिए ये अनुभव एंटार्कटिक का जो है वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। इस वजह से हो सकता है वो बहुत कुछ वहाँ सीख सकें, जान सकें और आगे भविष्य के लिए कुछ काम कर सकें धरती के लिए। द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज़ बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनी वेयर नियर साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट। इसके प्रोग्राम की सफलता का कारण ये है कि आप यहाँ जाओ और बिना इससे प्रभावित हुए बिना आप रह नहीं सकते, इतना प्रभावशाली ये जगह है। इट इज़ ईजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कम्फर्ट जोन ऑफ आवर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये तो बहुत आसान है, आप टीवी में देखते रहिए कैसे बड़े बड़े आइस चंक जो है वो टूट टूट कर समुद्र में गिर रहे हैं, पिघल रहे हैं, है ना। अपने घर में कंफर्ट जोन में बैठकर तो आप आराम से ये सब चीज़ें देख सकते हैं, है ना, लेकिन आपको वो अनुभव नहीं होगा जो वहाँ जाकर होगा। बट वेन वी कैन विजिबली सी ग्लेशियर रिट्रीटिंग, जब आप वहाँ जाओगे और देखोगे कैसे ग्लेशियर जो है धीरे धीरे करके ये हो रहा है, पिघल रहा है ना, छोटा हो रहा है, रिट्रीटिंग पीछे पीछे हो रहा है, आइस शेल्फ कोलैप्सिंग, बड़े बड़े आइस के टुकड़े जो हैं वो कोलैप्स हो रहे हैं, यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल। तब आपको पहली बार एहसास हो जाएगा होगा कि जो कहानी कही जाती है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में वो कितना सच है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।